ईसाइयों की उम्मत की सलाह के लिए निकलना है, मगर मौला ने जुमला कह के बिल्कुल
सराहत नहीं, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह। इसका मतलब ये कोई तो फसाद था नाना की उम्मत का, और फसाद क्या है अब ये कौन बता। और मौला जो मक्के से मदीने से निकले, इस कयाम के निकलने का मकसद क्या? आज की हमारे दारी अंजाम दे रहे, किस वजह से हमारे दारी अंजाम दे, क्योंकि मौला पहले मदीने से निकले और करबला में आके कुर्बानी दी। जब करबला में कुर्बानी हो गई तो अब मौला की इस कुर्बानी को याद करने के लिए अंदाजा अंजाम दे रहे, यही है ना मकसद। अब सवाल यह है कि इस आजा का भी कोई मकसद है या नहीं? ये जो हम जुलूस अंजाम दे रहे हैं, नौहे का निकाल कर रहे हैं, मातम काम कर रहे हैं, मदरसे बर्पा कर रहे हैं, इसका मतलब तो इसका मकसद है या मकसद? अगर मकसद है तो मकसद क्या? अब यहां दो बात, अब यहां तो ये सारी रात है ना, पर्दे में, और जब उस
उस पर अमल किया। देखिए फायदा क्या हुआ था, अली आलम होता करबला का काम यह है कि ये अपने वक्त के इमाम से आपको और हर वो दीनी काम के जो अपने वक्त के इमाम की तरफ ना छोड़ा जाए वो सब कुछ हो सकता है, मगर दीन नहीं हो सकता। इसलिए दीन के एहसास क्या है, इमाम और मारिफत दीन की बुनियाद क्या है, इमाम और मारिफत इमाम। इसीलिए मैंने कहा है जुमा के जब मौला निकले अपने मकसद को बयान कर रहे, क्या है मकसद, ना जुल्म, अगर जुल्म मौला का मकसद नहीं है और फिर मौला का आजादार जालिम हो, सोचिए मैं फिसाद के लिए नहीं निकल रहा और मौला का आजादार फिसादी हो, मैं शोहरत के लिए नहीं निकल रहा और हमारा मजलिसों करने से हमें शोहरत जाहिर करनी हो। हाँ साहब आप कीजिएगा, मुझे उसने 50,000 खर्च किया था, मैं कितना खर्च करूं, ताकि यह मालूम हो कि हाँ उससे ज्यादा साहिब हैसियत है। अगर मकसद यही है तो खत्म यही, वहां एक रत्ती भी काबिल कबूल है। अगर मकसद यह है कि मेरा मेरा कर दूंगा मेरा इससे उठता हो तो बेकार, जो चीज इमाम से मंसूब हो गई वो मेरी तेरी रही नहीं। मैं हुकूमत तलबी के लिए नहीं निकल, मैं फिसाद के लिए नहीं निकल, क्या निकल रहा है मौला, मैं तलब इस्लाह, तलब इस्लाह और इस्लाह किसकी, फी उम्मत है अपने जद की उम्मत की। क्या है मकसद कयामे करबला, आप सुनिए करबला का मकसद, पहला मकसद यह है कि जमाने में इमाम को पहचानवाया जाए, करबला का पहला मकसद इमाम को पहचानवाया जाए। इसी पे मैं इसको सवाल कर दूंगा, क्या जमाने में इमाम पहचाना गया, सोचिए मकसद क्या है, इमाम पहचाना जाए, इमाम पहचाना गया। अब सुनिए तारीख करबला के पहले दो इमाम, तीसरे इमाम कौन है जिसने करबला को बनाया और उसके बाद नौ इमाम, मौला का खतरा है ना, मिसली ला युबालिगु मिसला, मौला ने फरमाया कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं। अब मैं आपको दो पॉइंट इसको दूंगा बात को तमाम, मुझ जैसा उस जैसे की, इसका मतलब यह है कि जब तक दुनिया रहेगी कुछ हुसैन जैसे भी होंगे, कुछ यजीद जैसे भी। सवाल यह है, आप सुनिए, यजीद ने खत कहां भेजा, वालिया मदीना बैत के, यजीद ने मदीने में बैत लेना चाहा, कूफे में बैत लेना चाहा, राहे कूफा मक्के के अंदर बैत लेना चाहिए, करबला के अंदर आखिरी दम तक हुदूद आए कि अगर हुसैन बैत कर ले मौला से बैत मांगी, मौला कहां है, मदीने में, यजीद के सामने नहीं है, मौला आजाद है, हाथों में हाथ कह रही है। जो यजीद मदीने में बैत मांग रहा था
जो यजीद मक्के में बैत मांग रहा था, जो यजीद राहे कुफर में बैत मांग रहा था, जो यजीद कर्बला में बैत मांग रहा था, जो यजीद हुसैन से बैत के मुतालबा कर रहा था जब हुसैन सामने नहीं थे। हुसैन यजीद के दरबार में नहीं है, खुले हाथ है। वजह क्या है कि उस यजीद ने सैयद सज्जाद से अपने दरबार में होते हुए, बंधो हाथ होते हुए, आलम असीरी में होते हुए उसने बैत का मुतालबा किया। एक जवाब दिया था मैंने मकाबुल मोमिनीन की मजलिस और यह जवाब उससे हटके। मौला ने क्या कहा? मिस्री ला युमाया व मिस्रा। मैं कहूंगा यजीद सैयद सज्जाद से बैत क्यों नहीं मांगा? का तुमने हुसैन का जुमला नहीं सुना? अगर हुसैन इतना कहते कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा तो मैं सैयद सज्जाद से मुतालबा बैत कर। अगर हुसैन इतना कहते कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा तो मैं सज्जाद से मुतालबा बैत करता, मगर इसका जवाब तो हुसैन दे गए मुझ जैसा और सज्जाद हुसैन कैसा है। आप समझे कि यजीद ने मुतालबा क्यों नहीं किया? इसका मसले को भारी मामले कर दिया। हुसैन ने मदीने से निकल कर कमुद जैसा सज्जाद से मुतालबा कैसे कर? इसलिए सज्जाद को अपने वक्त का हुसैन है। आले बैत अबस, अब यहां पर मुझे चुनौती है। दो इमाम की तारीख पहले नौ इमाम बाद, वाकए करबला से पहले हर इमाम से वक्त के हाकिम ने बैत का मुतालबा किया। मौलाना से मुतालबा हुआ क्या? सैयद सज्जाद मौला हसन की सुनो को जोड़ तोड़ करके नतीजा पेश किया गया कि दावत सुनो दावत बैत, और खुद इमाम हुसैन को बैत का मुतालबा हुआ। इमाम कहते उससे कि जो अपने एक जुमले के अंदर माजी के सीरत को महफूज कर ले और आने वाले अपने मुस्तकबिल के किरदार को रोशन कर दे। मौला ने कहा मुझ जैसा। अब जो ये कहते हो कि अली ने बैत की, अब जो कहते हो कि हसन ने बैत की, इमाम ने कहा मुझ जैसा अली हसन हुसैन जैसे है कि नहीं? मौला ये जुमला आज के लिए नहीं कह रहे, ये जुमला कह के मौला ने पिछली बात तो कहा हुआ है। सवाल यह कि इधर बैत हुई मगर बात इस करबला किसी इमाम से बैत हो? नौ इमाम है, हाकिम वक्त ने जहां कैद किया, जहां हाकिम वक्त ने आइमा को कैद में डाला, असीर किया, और हद तो यह है कि वली अहदी दी गई, मगर वहां बैत है, मुतालबा बैत नहीं। वजह क्या है? इसलिए कि हर हाकिम कहेगा सज्जाद अपने वक्त का हुसैन, मोहम्मद बाकिर अपने वक्त का हुसैन है, जाफर सादिक अपने वक्त का हुसैन है, मूसा कादिम अपने वक्त का हुसैन है, अली अलता अपने वक्त का हुसैन है, मोहम्मद तकी अपने वक्त का हुसैन है, अली तकी अपने वक्त का हुसैन है, हसन अस्करी अपने वक्त का हुसैन है, और इमाम हादी व महदी हुसैन जैसे है। अगर हमने मुतालबा बैत कर लिया तो जमाना समझ जाएगा कि ये हुसैन जैसे है कि यजीद जैसे। हम मुतालबा बैत करके यजीद जैसा नहीं बनना चाहते।
अभी जा रहे हो तो मैं जुमला कहूँ और इसी पर जुमला कमा, एक जुमला कह दो इसी पर जुमला कमा लो। आप तारीख पढ़िए जनाब आदम से लेके इमाम हुसैन, बड़ी जिम्मेदारी से किसी भी तारीख के अंदर किसी भी इंसान का नाम हुसैन नहीं। जनाब आदम से लेके इमाम हुसैन तक किसी भी इंसान का नाम हुसैन नहीं। और यजीद से पहले आप तारीख उठाइए हजारों यजीद है। अरे आपको करबला का इंकलाब बता दीजिए, इमाम हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं, यजीद से पहले हजारों यजीद है। अब सवाल ये जहां पहले यजीद थे और कोई हुसैन नहीं था, अब जमाने में नजर जा रहा है हर जगह हुसैन तो नजर आ रहे हैं मगर यजीद नजर नहीं आ रहा। चेहरे से नकाब
नहीं उल्टी गई, मैं तो मैंने कहा तफसील का वक्त नहीं है, वरना इसकी तफसील है। असल चेहरे कादिर के चेहरे से नकाब नहीं आती, क्यों? इसलिए कि जितने कत्ल हुए ये सब आबादी में हुए। कातिल आया जरूर मगर मुसलमानों की भीड़ में छुप गए। इमाम ने कहा मैं तमाम तर मक्कालियों को एक तरफ रख, अब मैं मदीने से निकलूंगा, यजीद मुझे मदीने में कत्ल करना चाहेगा मगर कर नहीं पाएगा, मुझे मक्के में कत्ल करना चाहेगा मगर कर नहीं पाएगा। इमाम निकले और करबला, और करबला किस अंदाज से आया कि जुमला पा गया, साथ में मौला आप आ जाते मगर मौला पास को लिया तो हैदर सानी जनाब कासिम को लिया जो इमाम हसन की निशानी है, शहजादी जैनब को लिया जो आसानी है, को लिया जो हम शक्ले पैगंबर है। कब इमाम ने कहा यजीद तन्हा अपने कातिल के चेहरे से नकाब सबको लेके आए ताकि जमाना जाने कि ये वही है, इनका रिश्ता वही से है। बहुत सारे मकासिद है मौला के मकसदों को पढ़िए। मौला ने करबला क्यों ताकि इस्लाह उम्मत, इसलिए कि हलाल को हराम किया जा रहा है, मौला ने सब कुछ कुर्बान कर दिया जिसके खातिर मेरी और हमारी आने वाली इस्लाम। अब जो जो अपने मुसलमान कहे वो मकरूज है शहादत मालूम, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जब मुहर्रम आए तो शहादत हुसैन पर चलते हिस्सा ले। इंसानियत के लिए मौला तनाई में इस तरह जाके लेते तो गौर कीजिए हम जो कर रहे हैं और हमारे इमाम ने जो कुर्बानी दी है ये हमारे वक्त का इमाम आने वाला है, हम उसके रास्ते पे हैं। ये सवाल यकीन जब ये सवाल ही अगर हमारी जिंदगी को तब्दील न कर दे। मौला और सबको कुर्बान कुछ न बचाया हुसैन ने, आखिर में अपने आप भी परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बान हो गए। जवाब किया जुमला सुनना था हुसैन ने तलवार को समेटा, आगे होगी फौजे आने के बाद हुसैन ऐसे हमला किया कि जैसे भेड़िया दोस्तन झूला है तारीख के अंदर झूला है, ऐसे जवाब किया जाए जैसे औला को जवाब किया गया। अब तारीख के झूले यह है कि उस वक्त जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास पत्थर थे उसने पत्थर मारे, और जिसके कुछ नहीं था उसने जलती हुई जमीन करबला को उठाया। खार को उठाने के बाद इमाम के जिस्म मगर मौला रजाए इलाही की खातिर अब जुल जीर पर नहीं समझ आ रहा है, सुन जाएगा कि कुछ से बोला नीचे आना जमीन करबला
आए कैसे? क्या इसलिए कि मौला का जिस्म तीरों पे मौतला था। मौला हसन के जनाजे में और मौला हुसैन के जनाजे में यही फर्क है, हसन के जनाजे में तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पे मौतला। अब मौला तीरों पे, मौला को भी आखिरी सजदा करना। अब आप ईमान से जरा सोचिए, ये लफ्ज़े सोच जो मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत बड़ी मुसीबत। मौला का है तीरों पे मौला, मौला को अभी आखिरी सजदा परवरदिगार आलम की बारगाह में अंजाम देना, जिस तीरों के ऊपर रुक चुका है मौला सजदा कैसे? मौला ने तीरों पे जोर तीर जिस्म के अंदर आने शुरू। हुसैन सजदा खालिक न आए, परवरदिगार आलम की बारगाह में कहा है मेरे महबूब हुसैन को जो कुछ था वो तेरी राह में कुर्बान कर दिया। परवरदिगार तो हुसैन की कुर्बानी को कबूल कर ले, और परवरदिगार सारी कुर्बानी के बाद यह हुसैन सजदा कर रहा ताकि ज़माना लिखे कि हुसैन जब शहीद हुए तो सजदे में शहीद, ताकि आज़ादार को हुसैन का सजदा बाकी। शिवर आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद हुसैन सजदे में, हुसैन ने सजदा अंजाम देना चाह रहे हैं, शिवर तुंद खंजर लेके आए। अभी तो हर तौज़ीह हुसैन के अंदर मसला है, आप जाके देखिएगा कि तारीख तौज़ीह यह है कि मुस्तहबात में से मुस्तहब यह है कि आप जानवर को ज़बह करने से पहले पानी पी। जानवर को जिस छुरी से ज़बह किया जाए वो कुंद नहीं होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, ताकि जब जानवर को ज़बह किया जाए तो शहर के हयात जल्दी से कटे, जानवर को तकलीफ ना हो। ये मौला की शरीयत का मसला है। अरे पैगंबर खुदा, जिस शरीयत में जानवर का इतना एहतराम, वहां हुसैन को शहीद करने के लिए पहले छुरी को कुंद किया गया। छुरी तेरह से बारह जरबों में एक जुमला में जिसका, तेरह से बारह जरबों में इमाम की रगे हयात जुदा। तारीख हमीद मुस्लिम लिखता है ईसाई मौलिक, हमारे और आपका मुसलमान मौलिक नहीं, ईसाई मौलिक। वो कहता कि अब पहले देखा कि हुसैन सिलते आखिर में, और जब गर्दन पे छुरी चल रही तो हुसैन के लिला भी हिला, लिला भी हिला। मैंने खरीद गया मगर कोई आवाज नहीं आ रही, मैं अपने कान को हुसैन के लबों के करीब ले, मैंने देखा कि हुसैन कुछ पुकार रहा। अब जो मैंने सुना तो जब हुसैन की पहले शरबत लगी तो हुसैन ने मदीने के रुख करके कहा वाह जद्दा, दूसरी शरबत पे नजफ का रुख किया बाबा अली मुतज़ा, तीसरी शरबत पे मौला जन्नतुल बकी शहजादी को पुकारा, फिर भाई हसन। तारीख की फिक्र यह है कि मौला ने चार शरबतों के बाद मुसलसल अहले बैत को पुकारा। अब हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मौला ने चार शरबतों के बाद जब भी शिमर ने मौला के गर्दन पे शरबत लगाई, मौला एक जुमला फुरात की तरह हसरत भरी निगाह से देखते थे और एक जुमला कहते थे ए भैया अब्बा, अरे तुम कहाँ चले गए तुम्हारे जाने के बाद, अरे हुसैन में यारो मददगार हो गया, हुसैन का कोई बारिश हुई ए भैया, अरे जरा आगे देख ले शिमर कैसे हुसैन ہمارے درمیان جو افراد پریشان حال ہو سکتے ہیں جا گئے حیدر
Amen.